तो चलिए अब एक नया चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स में विच इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन सिस्टम इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते क्या हैं फिर हम ये देखेंगे कि सिग्नल्स और ट्रांसमिशन मीडियम का क्या रोल है कम्युनिकेशन प्रोसेस में फिर वेव की प्रोपोगेशन कैसे होती है कम्युनिकेशन में ये जानेंगे हम और फाइनली ए एम वेव्स जिसको हम बुलाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और डिटेक्ट कैसे किया जाता है सो so, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स का जैसे कि आप सब जानते हैं कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन का ही एक्ट होता है एंशियन टाइम में ये कम्युनिकेशन होता था कभी कभी स्मोक सिग्नल से कभी कभी ड्रम की आवाज से और कभी कभी फ्लैग को वेव करके ये बताया जाता था ड्यूरिंग वॉर दैट सम मैसेजेस नीड टू बी सेंट फिर टेलीग्राफ का इन्वेंशन हुआ 1835 में जिसने काफी चेंज कर दिया वे इन विच कम्युनिकेट मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन केम अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ग्राहम बेल और एंटोनो म्यूची की कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से 1876 में टेलीफोन कम्युनिकेशन जो आज हमारी लाइफ को रेवोल्यूशनराइज कर चुका है उसका इन्वेंशन हुआ देन टेलीफोन में तो वायर्स का इस्तेमाल होता है वायरलेस टेलीग्राफी का इन्वेंशन हुआ थ्रू दिब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस एंड मार्कोनी इसका मतलब अब वायर्स की जरूरत नहीं थी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एंड दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स उसके बाद जे एल बेड की इन्वेंशन टेलीविजन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ वॉज डन ऑन ट्वेंटी जनवरी सिक्स थर्टी सिक्स में पहला टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हुआ बीबीसी में थ्रू इंफॉर्मेशन वॉज ट्रांसमिटेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट देन फाइनली केम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ आर टाइम विच इज द फर्स्ट इंटरनेट वॉट बेसिकलींटरनेट वॉज कॉल्ड इट वॉज कॉल्ड एरपनेट और यहीं से शुरुआत हुई इंटरनेट रेवोल्यूशन की इंटरनेट का फर्स्ट इस्तेमाल हुआ था यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए जहां वो डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे और इंटरनेट के इन्वेंशन के बाद ही इंफॉर्मेशन के फास्टर ट्रांसमिशन के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का इन्वेंशन हुआ दिस वॉज डन बेल इन फाइव Then, 1990 में टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और आज उसी की वजह से वी हैव ऑफ ऑफ कम्युनिकेटिंग अदर सो इस चैप्टर में आर में सबसे पहले यह समझना कि कम्युनिकेशन होता क्या है मॉड्यूलेशन प्रोडक्शन uh, की जरूरत क्या है और उसको फिर डिड्यूस करने की क्या जरूरत है वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे